नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले के गोगा मेरी थाना क्षेत्र के गांव नेठराना में कल देर शाम को एक युवती और उसके अबोध पुत्री की लाशें पानी में कुंड में तैरते हुए मिली। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर अजय गिरधर दलबल सहित मौके पर पहुंचे। पीहर वालों ने आने पर उनकी मौजूदगी में लाशों को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस के मुताबिक पानी के कुंड में सोनू 25 और उसकी 2 वर्षीय बेटी अबोध बेटी हिमांशी की लाशें तैरते हुए मिली है। जिले में ही भादरा तहसील क्षेत्र के गांव चिड़िया गांधी निवासी सुभाष कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर देर रात को नेठराना निवासी संदीप, उसके पिता देवीलाल और मां सुखी देवी पर दहेज हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। कल शाम को नेठराना गांव से भी इतना मिली थी कि एक लड़की ने अपनी 2 वर्षीय बेटी के साथ आत्महत्या कर ली है, घर की डिग्गी में कूद कर। इस इतला पर हम गोगा मेडी पुलिस है मौके पर पहुंची थी और जो शव है उसको मोजरी में शिफ्ट करवाया था और देर रात्रि का समय हो जाने के कारण रात को पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। और इस संबंध में लड़की के जो पीहर पक्ष के लोग हैं, जो चिड़ियागंधी की रहने वाली थी लड़की, और उनके द्वारा एक मुकदमा भी दर्ज करवाया गया धारा 304B के तहत, जिसमें उन्होंने दहेज को लेकर प्रताड़ित करने और दहेज मृत्यु की एक FIR दर्ज करवाई है। इसमें अनुसंधान CEO साहब श्री सुनील जी झाझड़िया सर्किल भादरा के द्वारा किया जा रहा है और आज इसमें पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम करवा कर जो शव है अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द किया है और इसमें अनुसंधान अभी जारी है। FIR में कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है? FIR में 3 लोगों को नामजद किया है, जो ये लड़की थी, इसकी सास को, इसके ससुर को और अपने पति को। किसी को राउंड अप किया है इसमें कोई? हाँ, मुलजिमों को राउंड अप कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है और जैसे अनुसंधान में जो स्थिति होगी उसी के अनुकूल।